अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। हाय फ्रेंड, मेरा नाम है शाहिद, मैं हूँ टेक्निकल बादशाह की तरफ से। फ्रेंड, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसी फेसबुक की ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपना फेसबुक अकाउंट रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको उसका यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं पता, यहाँ तक कि आपका पासवर्ड नहीं पता, सिर्फ आपको इतना पता हो कि वो आईडी किस, यानी कि आपकी आईडी कौन सी है, सिर्फ आपको इस बात का इतना पता होना चाहिए कि आपकी आईडी कौन सी है, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल टेक्निकल बादशाह को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ बने घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड, मैं आपको फुल दावे के साथ कह सकता हूं, जो मैं ये तरीका बताने जा रहा हूं, मैंने आज तक इसकी एक वीडियो भी फेसबुक पर नहीं देखी। फेसबुक बोल रहा हूं, फेसबुक, यूट्यूब, कोई भी चीज़ पे मैंने आज तक इसकी एक वीडियो भी नहीं देखी, क्योंकि ये कोडिंग का तरीका है। तो कोडिंग के ज़रिए फ्रेंड, तो कोई भी आज तक किसी ने मैंने नहीं देखा कि कोई को वीडियो बना के अपलोड करे। तो मैं जो कर रहा हूँ, तो फ्रेंड अगर आपको सच में अच्छी लगी तो आपने मेरे चैनल टेक्निकल बादशाह को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, उसके साथ बने घंटी के आइकन को भी प्रेस करना है। तो फ्रेंड, हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो फ्रेंड, सबसे पहले आपके पास कोई एप्लीकेशन होनी चाहिए, मिसाल जिस तरह ओपेरा मनी हो, यूसी ब्राउज़र हो। तो मेरे पास ये ओपेरा मनी पड़ा है, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड, इसी को ओपन करने के बाद तो आपने सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट है वो लॉग इन करना है। आपने अपना कोई भी फेसबुक अकाउंट लॉग इन करना है, तो मैं इधर एफ बी लिख के सर्च कर देता हूँ। तो आप जो अपना जो अकाउंट है वो लॉग इन कर लेता हूँ। फ्रेंड, तो मैं इधर फेसबुक क्लिक करता हूँ, मेरा जो अकाउंट था वो लॉग इन है पहले, तो वो मेरे पास सामने आ गया है। फ्रेंड, ये मेरा अकाउंट है, ये लॉग इन है पहले। तो मैंने किसी दूसरे अकाउंट, यानी कि जो अकाउंट मेरा पता हो, यानी कि उसकी आईडी मुझे इधर पता हो ये मेरी कौन सी आईडी है। तो फ्रेंड, मुझे कोई भी आईडी आप सर्च में कर लें तो आपका उसका नाम जो भी है आपको सामने दिख जाएगी। तो आप उसका मिसाल कर लें, आपको उसका यूज़र नेम, ईमेल नहीं पता। तो जिस तरह मैं अपनी एक आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप समझ लें कि ये आपकी आईडी है। तो यानी कि ये आपकी आईडी, आप अबाउट में जाते हैं तो आपके सामने आ जाता है फ्रेंड, उसका फ़ोन नंबर आ जाता है, यूज़र नेम। बहुत सारे लोगों जो वीडियो मैंने देखी है यूट्यूब पे, वो ये यूज़र नेम को सिलेक्ट कर लेते हैं, बताते हैं ये है। लेकिन ये भी ठीक है, लेकिन इससे भी आप रिकवर कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा यूज़र के ये चीज़ें हाइड होती हैं, तो फिर भी उनको पता नहीं चलता कि वो किधर से रिकवर करें। तो फ्रेंड, मैं आपको एक और तरीका बताने जा रहा हूँ, मिसाल उसका बताता हूँ जिसका बिल्कुल हाइड है। मैं बिल्कुल वही आईडी को ढूंढता हूँ जिसकी बिल्कुल यूज़र नेम, फ़ोन नंबर, हर चीज़ बिल्कुल हाइड है। तो आईडी कौन से लिखें, आप लिखते हैं रांझा। तो मिसाल फ्रेंड, कोई भी आपकी आईडी लिख लें जिसकी बिल्कुल हर चीज़ हाइड है, तो आप ये देख लें। मिसाल इसके भी चेक कर लेते हैं, इसकी जो है मिसाल ये इसका भी शो हो रहा है, तो क्या लिखें फ्रेंड? तो कोई ऐसा नाम लिखें जिसकी बिल्कुल, ज़्यादातर जो लड़कियाँ हैं वो अपनी हर चीज़ हाइड करके रखती हैं। तो फिर हम उनकी कुछ सर्च कर लेते हैं। फ्रेंड, ये तीन आ गए, इन तीनों को एक दूसरे पेज पे, मिसाल मैं तीन पेजों पे इनको अलग अलग से लॉग इन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड, जिसी तरह सॉरी बैक जाता हूँ, तो इसका भी जो यूज़र नेम है ये सामने आ रहा है, तो इसका भी हाइड नहीं है। हम चलते हैं दूसरी की तरफ, तो इसका भी फ़ोन नंबर है, बिल्कुल फेक अकाउंट है, कोई मसला नहीं इनका इतना। अब ये आ गए हैं, इट्स हियर। तो इसका जो है ना फ्रेंड, कुछ भी, यानी कि इसका यूज़र नेम, फ़ोन नंबर कुछ भी नहीं है, ये अकाउंट हुआ बिल्कुल ठीक, यही अकाउंट है। तो इसका यूज़र नेम बिल्कुल कुछ भी नहीं है, यूज़र नेम नहीं है, ईमेल नहीं है, फ़ोन नंबर है, इसका कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब हमने इसका जो है इसका ईमेल निकालना है, इसका ईमेल मिसाल के तौर पर एक कोडिंग निकाली है, कोड के ज़रिए हम इसको लॉग इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अब हम इसकी टाइमलाइन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, फिर आपको बता दूं, मैं इसकी जो टाइमलाइन पर क्लिक करते हैं, मिसाल इसकी टाइमलाइन में इधर से भी कोई भी, यानी कि मूड ख़राब हो रहा है, तो फ्रेंड हम इसकी डीपी पे जो इसकी तस्वीर लगी हुई है उस पर क्लिक कर लेते हैं, जो ये मिसाल के तौर पर ये डीपी क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड, आपने क्या करना है, आपके ऊपर जो इनकी चल रही है, यानी कि जो लिंक चल रहा है, आपने उसको कर लेना है कॉपी। मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद फ्रेंड, आपने आ जाना है बाइक, अपनी प्रोफाइल पर आ जाएँ, बाइक बैक आ जाएँ। तो फ्रेंड, जिस तरह आप बैक आ जाते हैं तो आपने उधर वो पेस्ट कर देना है। तो फ्रेंड, पेस्ट करने के बाद फ्रेंड, आपने इधर जो कटिंग करनी है फिर देख लें, ये जो एंड का निशान दिख रहा है आपने इधर तक कटिंग करनी है, ये देख लें, फिर एंड, ये एंड का जो निशान है आपने इसको भी कट कर देना है, और इसके पीछे पीछे आ जाए बैक, ये देख रहे हैं, यानी कि बिल्कुल पास ही आ जाए, ये 100 जो दिख रहा है, 1000 इसके पीछे, यानी कि जो बराबर का निशान है इधर रख के, इसके पीछे जितने भी है ये सब कैंसिल कर देने हैं। तो फ्रेंड,
ये नहीं नीचे आ जाएंगे नीचे, 1000 1000 ये आ गए। 1000 के जितने भी नीचे हैं ये आपने रख के सारे पीछे जो कैंसिल कर देने हैं। तो फ्रेंड ये मैं रख के डॉट से पीछे जितना भी जो कुछ भी है वो मैं कैंसिल कर देता हूँ। तो फ्रेंड ये सब कुछ बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। तो ये जो चीज़ है फ्रेंड आपने इसको कर लेना है कॉपी। कॉपी करके आपने अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर देना है। फ्रेंड मैं अपना अकाउंट जो है वो लॉग आउट कर देता हूँ। तो आपने जाना है साइन अप पे, न्यू अकाउंट को साइन अप करना है। तो फ्रेंड आप साइन अप पे चले गए, तो आपने वो इधर जो अकाउंट कॉपी किया था वो आपने इधर पेस्ट कर देना है। फ्रेंड ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, फिर मैं आपको सामने एक दफ़ा फिर पेस्ट कर देता हूँ। मैंने उधर से कॉपी किया था, ये पेस्ट हो गया। आपने इधर फ्रेंड कोई गलत पासवर्ड ही लिख देना, मिसाल मैं किसी तरह को पासवर्ड लिख देता हूँ गलत। तो आपने इसको कर लेना है लॉग इन। तो जारी बात है वो एक चीज़ ये देख लें, उसका जो ईमेल है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका जो पासवर्ड है वो बिल्कुल गलत पासवर्ड है। तो फ्रेंड हमने फिर इसको करना है रिकवर, रिकवर योर अकाउंट। हमने बिल्कुल रिकवर वो देख लें, बिल्कुल वही चीज़। ये उसका एक फ़ोन नंबर ऐड है और उसका एक मेल ऐड है। तो आप इसको इस तरी मेथड के ज़रिए, यानी कि जिसका भी अकाउंट है उसको लॉग इन कर सकते हैं फ्रेंड फॉरगेट पासवर्ड से। यानी कि जो इसका मेल थी मुझे बिल्कुल नहीं पता थी, यानी कि मैंने इसकी जो कोडिंग निकाली ये वाली कोडिंग ये निकाली उसकी डीपी से। मिसाल अब और भी इसी तरह कोडिंग की मिसाल, अब इसकी और तस्वीरें भी हैं, उनकी भी कोडिंग होती है। आज तकरीबन जब अकाउंट बनता है तो हर चीज़ की एक कोडिंग जो सिलेक्ट हो जाती है। तो फ्रेंड जब कोडिंग सिलेक्ट हो गई तो इसकी वजह से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जिसकी भी आईडी है उस पे नंबर पे इसका जो पासवर्ड चला जाएगा, आप वो पासवर्ड लगाएं उस बेल पे लगाएं फ़ोन से जिस तरह रिकवर करनी है। तो आप इस मेथड के ज़रिए अपना जो अकाउंट है वो रिकवर कर सकते हैं। तो फ्रेंड मैच बैक चले गया। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो जो है अच्छी लगे, तो अगर आपको चाहें कि अगर आपको वीडियो, मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ मैंने आज तक यूट्यूब पे वीडियो इस तरह की नहीं देखी। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल टेक्निकल बादशाह को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके साथ बने घंटी के आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो फ्रेंड मैंने और फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड की हैं, आप जो लोग आपको टैग करते हैं आप उनके टैग किस तरह बंद कर सकते हैं। तो फ्रेंड आप वो मैं नीचे दिखा देता हूँ, ये बनी हुई ये पड़ी हुई है वीडियो फेसबुक की, जो टैग है वो किस तरह बंद कर सकते हैं, और इसके साथ ही जो फेसबुक पे लोगों की पोस्टों पे हज़ार हज़ार लाइक होते हैं तो वो किस तरह लेते हैं, तो वो भी वीडियो मैंने अपलोड की हुई है। ये भी बताया हुआ है कि लाइक लेना अच्छी बात है या नहीं अच्छी बात। तो फ्रेंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आखिर में एक बात कहना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।